दाल खाने के बाद दो बेटे की मौत, माता पिता सहित पूरा परिवार आईसीयू एडमिट, पड़ोसी पहुंचाया हॉस्पिटल। दाल खाने के बाद एक ही परिवार के पांच लोगों की तबीयत बिगड़ गई, पड़ोसी बन हॉस्पिटल लेके पहुंचा। डॉक्टर जांच के बाद दो बेटे मृत घोषित कर दी, माता पिता और एक भाण को इलाज चल रहे है। आशंका जताई जा रही है कि फूड पॉइजनिंग के कारण एन को है। हेल्थ डिपार्टमेंट सैंपल लिया, रिपोर्ट आने के बाद में ही कुछ स्पष्ट होगा। मामलों झुंझुनू के गुढ़ागुड़ जी इलाके को है। गुढ़ागुड़ जी थाना प्रभारी वीर सिंह जी गुर्जर बतायो कि झुंझुनू शहर से गुढ़ागुड़ जी जाने वाली रोड पर 21 किलोमीटर दूर शिथिल गांव है। गांव को किसान बूटीराम जी मेघवाल के घर रविवार ने रात ने खाने के मान दाल बनी ही। पूरा परिवार दाल रोटी खाकी सोगो हो। सोमवार ने सुबह बूटीराम जी, बाकी पत्नी अनिता देवी 32 साल और बेटी तनुजा 11 साल, लक्ष्या 8 साल और तनिष्का 6 साल की बेटी की लगातार एक के बाद एक की तबीयत बिगड़ लगी। सह की हालत बिगड़ी तो गुढ़ागुड़ जी कस्बे जाके प्राइवेट डॉक्टर ने दिखायो। गुढ़ागुड़ जी कस्बे से बूटीराम जी दवा लेके आपके परिवार के साथ में घर आगा। बी दिन ही शाम को फिर परिवार के सगले सदस्यन उल्टी दस्त की शिकायत हुई। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो मंगलवार ने पड़ोसी बूटीराम जी, अनिता और तीनों बेटियां लेके झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में एमरजेंसी में भर्ती कराई। झुंझुनू के बीडी के हॉस्पिटल में डॉक्टर बूटीराम जी की दोनों छोटी बेटी लक्ष्या और तनिष्का मृत घोषित कर दी। बड़ी बेटी तनुजा की हालत खतरे से उबारे है। बूटीराम जी और बाकी पत्नी अनिता की हालत गंभीर बताई जा रही है। बाको इलाज आईसीयू में चल रहा है। इलाज बीडी के हॉस्पिटल का फिजिशियन डॉक्टर कपिल जी सियाग की देखरेख में चल रहे। डॉक्टर कपिल जी सियाग कहो कि अभी यो निश्चित तौर पर कौन कह जासके कि मौत फूड पॉइजनिंग से हुई या जहर से। बच्चा की मौत पानी की कमी और लगातार उल्टी दस्त से हुई। बाकी वास्तविकता को पतो विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में चालगो। माँ को कहना है कि फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती दंपति और बाकी बेटी बोलने की स्थिति में भी कोनी। पिता बतायो कि दाल खाई ही मरीजा की ब्लड की सैंपलिंग करी गई। एडीएम जेपी गौड़ जी, एसडीएम सुप्रिया चौधरी जी, तहसीलदार महेंद्र मूंड जी दो बच्चों की मौत की सूचना के बाद बीडी के अस्पताल पहुंचा और घटना की जानकारी ली। सीएचएमओ राजकुमार जी डांगी बतायो कि अभी यह साफ तरीके से कौन कह जा कि यहाँ की हालत अति कया बिगड़ी कि दो बच्चे की मौत होगी। मंगलवार दोपहर में करीब 1 बजे मौके पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी भेजी गई। सैंपल की जांच के बाद में स्थिति साफ होगी। पोस्टमार्टम करके शव जो है वो रिश्तेदारों सौंप दिए गए। गुढ़ागुड़ जी थाना प्रभारी वीर सिंह जी गुजर मंगलवार ने दोपहर में शिथिल गाँव बूटीराम जी के घर पहुंचा और पड़ोसी और अन्य ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली। बच्चे की मौत की खबर के बाद गांव में मातम है। थान केला गया कि दो बच्चे की मौत के फूड पॉइजनिंग से हुई है या जहर के कारण हुई है। थारा जो भी विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बतायो। जय हिंद जय भारत। के टावर बूटीराम जी 3 पहली को डेढ़ को डेढ़ एक तो 8 साल की बताओ, एक 7 साल की बताओ, 6 की बताओ। तो बाबू दो छोट की खत्म होगी। हाँ, और वह बड़ी बड़ी है। अच्छा अच्छा, तो 6 और 8 साल की जो भी मतलब उसने साथ में आ गए थे उनको तो पोस्टमार्टम के लिए मोर्चों में शिफ्ट दिया था। और बाकी वहाँ पर चिकित्सा विभाग की जो अन्य जो टीमें हैं वो भिजवा दी गई है, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बाद में ये सारी स्थिति क्लियर हो गई। 9/5/2023 को सुबह करीब 8:15 बजे के लगभग कंट्रोल से सूचना मिली कि शिथिल गाँव में बूटीराम, उसकी पत्नी अनिता व दो बच्चियां कोई फूड पॉइजनिंग या कोई भी ऐसी वस्तु खाने से पीटी के स्थल भर्ती हुए हैं। बच्ची दोनों खत्म हो चुकी थी और माँ और पिता दोनों पीटी के स्थल भर्ती हैं। मुताबिक क्यूस्टी के गांव शीतल पहुँचे, यहाँ गांव वालों से पूछा तो उन्होंने पड़ोस वालों से पूछा तो बताया कि दिन के अंदर से ये इनके दस्त और उल्टियाँ हो रही थी। दिन में कोई इंडो वगैरह नींबू वगैरह भी और प्राइवेट डॉक्टर से कोई टेबलेट वगैरह भी ला के दी थी। अब मौके पर इनके परेशान कोई है नहीं। अड़ोस पड़ोस वाले से पूछताछ की, उन्होंने बताया भी सुबह 6:30-7 बजे अचानक घर में रोने की आवाज़ आई, जरा उसकी बेटी का स्तर धुंधला होता है। अब मौके पर उनसे दिखा जाने के बाद में जैसी बात उन्हें बता दें।